समय मैं भारतीय जनसंचार संस्थान में मौजूद हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, और यहाँ छात्र अपनी मांगों के लिए भूख हड़ताल पर जा चुके हैं। आप मेरी स्क्रीन पर सामने देख सकते हैं कि चौधरी मनदीप सिंह पूनिया मेरे साथ मौजूद हैं। लाइव बाइट लेने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ के जो छात्र हैं वो, उनकी मांग है कि उन्हें कम से कम 24 घंटे लाइब्रेरी उपलब्ध कराई जाए। चूंकि प्लेसमेंट का समय नज़दीक है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी अच्छी नौकरी मिले, और नौकरी के लिए योग्यता जरूरी होती है। वो योग्यता होती है आपकी पढ़ाई और आपकी स्किल्स। अब मैं मनदीप सिंह पूनिया, जो कि हड़ताल पे हैं, उनसे आपका बात कराना चाहता हूँ। तो मनदीप, आप क्यों हड़ताल पे हैं? देखिए, एक सबसे पहली बात तो ये कि जो बॉयज़ हॉस्टल है वो हमारा हक है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे प्रशासन से। और प्रशासन के गलत फैसलों की वजह से इस साल सभी को पता है कि बॉयज़ को हॉस्टल नहीं मिला था। हम मांग रहे हैं कि अगले वाले जो बच्चे आएँ उनको, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बॉयज़ हॉस्टल था, वो मिले, ताकि वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। दूसरी मांग है हमारी लाइब्रेरी वाली, इसी को लेकर हम हड़ताल पर हैं। लेकिन प्रशासन का रवैया बहुत ख़राब रहा है। वो हमें ऑफिस में बुलाकर बहुत गलत तरीके से हमारे साथ बातचीत करता है, और अभी हमारे खिलाफ कुछ छात्रों को उन्होंने भी हड़ताल पे भेज दिया है। हम तो प्रशासन के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ छात्रों को हमारे खिलाफ हड़ताल पे भेज दिया है, और मेरे को तो यहाँ तक कि गैंगस्टर बना दिया है उन्होंने। और मतलब उनकी तरफ से जो छात्र हैं वो बोल रहे हैं कि मनदीप ने हमें मारने की धमकी दी, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ बच्चों को भूख हड़ताल पे बैठाया गया। मेरे साथी श्याम सिंह है, श्याम सिंह को ऑफिस में बुला के बहुत गलत बोला था, उसकी भी श्याम सिंह ने कोई कंप्लेंट नहीं दी थी। मेरे को तो थोड़े दिन पहले मेरे को, मेरे साथी श्याम सिंह को सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा मैन हैंडल भी किया था, उसके ऊपर भी कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं ली है। जी, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो इन्होंने एक लेटर लिखा DSW के, उसमें साफ साफ मेंशन किया था, सर हमारा मेडिकल चेकअप कराइए, क्योंकि बिना मेडिकल चेकअप के कोई भूख हड़ताल जायज़ नहीं होती है। DSW की तरफ से इन लोगों को उत्तर मिलता है कि अभी DG साहब चूंकि अनुपस्थित हैं, इसलिए उनका साइन नहीं हो सकता, उनके साइन के बिना कोई मेडिकल चेकअप नहीं होगा। अब बताइए आप, ये लोग छात्र असमंजस में है कि जो प्रयास कर रहे हैं वो व्यर्थ न जाए, क्योंकि जब जब आप मेडिकल चेकअप नहीं कराएंगे तब तक आपकी भूख हड़ताल जायज़ नहीं होगी। दूसरे जो साथी मेरे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, श्याम सिंह, मैं उनसे आपका परिचय करा। श्याम सिंह इन मुद्दों को उठाते रहे हैं, 6 एप्लीकेशन दे चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि श्याम सिंह भी इस बारे में कुछ कहें। देखिए, जब हमने शुरू में यहाँ पे मांग रखी थी हॉस्टल की, पहला दिन था, अरसल के नेतृत्व में जो कि हमारे क्लास के CR थे वो अपनी मांगे रख रहे थे, तो CR ने हमारे ने व्हाट्सएप पे कुछ लिखा कि हॉस्टल के लिए हम मांग कर रहे हैं। तो CR को केवल व्हाट्सएप के आधार पे कि तुम मीडिया पे लिख रहे हो ये है वो है फलाना ढिकाना, उसको बुला के क्लास में थ्रीट कर दिया और बोला कि तुमको हम प्लेसमेंट रुकवा देंगे, निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह से DG साहब ने धमकी दी थी, ये इस चीज़ के सारे लोग साक्ष्य हैं। उसके बाद जब हमने डिमांड करी तो हमने 56 लोगों का साइन करा के DG साहब को सौंपा DSW के थ्रू, बाकायदा प्रॉपर चैनल के द्वारा। हमने कभी भी उस बीच में फेसबुक पे नहीं लिखा, किसी मीडिया में नहीं गए। उसके बाद हमारी पैरेलल क्लासेस चलाई गई RTV में कि ये लोग पॉलिटिकल फ्रिंज हैं, ये पॉलिटिकल एलिमेंट है, यानी कि ये लोग JNU से जुड़े हैं। ज़बरदस्ती हमारा एक कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया। इसके लिए मैंने DG साहब को एप्लीकेशन लिखा कि सर इस पर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दीजिए, अगर आप पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो जो लोग इंटरनल या डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास रखते हैं और जो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत आए हैं आपके पास, उन लोगों का हैरेसमेंट होगा और वो लोग कभी भी मांग नहीं उठा पाएंगे। DG साहब ने 11 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद जब हम लिखते हैं कि DG साहब आप इस पर रिप्लाई दीजिए, उसके बाद DG साहब ने मुझे रात को कोई भी बनाया 7 बजे बुलाया और मेरे मोबाइल वगैरह सारे बाहर रखवा दिए। उस समय मेरे कोच डायरेक्टर उस ऑफिस में मौजूद थे और रघुवेंद्र चावला सर मौजूद थे और भी 8-9 लोग IMC से मौजूद थे। उस दौरान हमारे DG साहब कहते हैं, जो कि सर्वोच्च पद पर हैं IMC के पे, कि तुम मेरा क्या खुड़वा लोगे, तुम हो कौन, तुम मेरा क्या कर लोगे, तुम कुछ नहीं हो, मीडिया मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, मिनिस्ट्री मेरा क्या खोड़ लेगी, और प्रधानमंत्री ने मुझे भेजा है, तुम मेरा क्या खुड़वा लोगे। तो ऐसी प्रतिक्रिया हमें DG साहब के बाद रही। उसके बाद हमने एक और एप्लीकेशन लिखा, जो कि हमारा 5वां एप्लीकेशन था, कि सर आप पॉजिटिव रेस्पॉन्स दीजिए ताकि हम नया संवाद करने के लिए तैयार हैं और आप हमारे हॉस्टल लाइब्रेरी के बाद मान लीजिए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई वो नहीं करा। इसके बाद लगातार और लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है, जो कि उनके अपने लोगों के द्वारा, अपने एजेंटों के द्वारा लगातार वो फेसबुक पर लिखवा रहे हैं, तरह तरह की थ्रीट दे रहे हैं कि संस्थान से उखाड़ देंगे, कि ये कर देंगे, वो कर देंगे।
और तमाम अफवाहें ये फैला रहे हैं कि हम लोग जो है ये जो लड़कियां इस समय हमारे हॉस्टल में इस समय हैं, जो कि पहले 47 की संख्या थी, इस समय 21 की है, इन लोगों को हम निकालना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे एप्लीकेशन में क्लियर लिखा हुआ था कि हम आने वाले बैच के लिए मांग रहे हैं। इस एप्लीकेशन में जो नया सर्कुलर जारी करा है उसमें भी डीजी साहब ये खेल खेल गए हैं कि हम ऐसे मानो कि उन लड़कियों को हम निकालना चाह रहे हैं और उनकी जगह हम रहना चाह रहे हैं। इस तरह की गजब की पॉलिटिक्स डीजी साहब खुद खेल रहे हैं और प्रशासन पूरा खेल रहा है। उनके साथ चंद लोग उनकी विचारधारा मानिए या उनके पर्सनल मानिए कुछ एजेंट का काम कर रहे हैं, वो हमारे बीच से हैं, इस बात का हमें दुख है। और यही है कि डीजी साहब से हमने कुछ डिमांड्स करी थी और डीजी साहब हमारे साथ राजनीति खेल रहे हैं, इसके खिलाफ हम जो है आमरण अनशन पर आए। जो हमारा हॉस्टल था वो हमें वापस करा जाए, आने वाले बैच के लिए दिया जाए, ताकि आने वाले बच्चे बिहार से, यूपी से, रायपुर से आने वाले बच्चे यहाँ पढ़ पाएं, यही हमारी अनशन का उद्देश्य है। अगर ये मिल जाता है तो हम आज ही बंद कर देंगे, अभी बंद कर देंगे, और अगर यह नहीं मिलता है तो हम एक दिन, दो दिन, पाँच दिन, जब तक जान है या जब तक डीजी साहब अपना फैसला नहीं देते हैं तब तक हम यहाँ अनशन पर हैं जी। अब मैं आपको कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जब पहली मीटिंग होती है जो कि अगस्त में होती थी, तो डीजी साहब ने तर्क दिया था कि यहाँ पे बॉयज़ के लिए हॉस्टल नहीं है। हम लोगों ने बिल्कुल मान लिया था कि चलिए ऐसा होता रहता है। उसके बाद हमारे सीआर थे हर्षल जी, उन्होंने एक ग्रुप में मैसेज किया कि ये गलत हो रहा है ये सब चीज़ें। मुझे एक उर्दू फैकल्टी का बंदा कमरान जिनका नाम था, उन्होंने मुझको बुलाया, मुझसे बोलते हैं तुम कर क्या रहे हो, जबकि मेरे पास साक्ष्य है। उस ग्रुप में मैंने एक मैसेज नहीं किया था, मुझे कोई मतलब नहीं था। एक परमानेंट, जिस परमानेंट नहीं है बंदा, वो मुझको बुलाता है और मुझसे बोलता है कि एक व्यक्ति है तुम्हारी क्लास में जिसका एडमिशन तुम जानते हो कैसे हुआ है। मैंने कहा सर कैसे, मुझे नहीं पता। कहते हैं कि उसका एडमिशन सेटिंग से हुआ है। मैं अगले दिन उस लड़के को लेकर पहुँचता हूँ उनके पास, तो वो मुझसे बोलते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो अपनी बात से पलट जाते हैं। उसके अगले ही दिन मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से पता चलता है कि मेरी ही शिकायत कर दी गई। किस बेसिस पे? कि मैंने उनको ये साथ अभद्रता की, जबकि 10 लड़के मौजूद थे, किसी ने ये नहीं बताया कि मैंने कौन सी अभद्रता की। उसके बाद मुझे डीजी सर की कॉल आती है, बोलते हैं कि भुवन सर वो जो बाहर बैठे रहे शर्मा जी और भुवन जी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों आए। मैंने कहा मुझे बुलाया गया है, क्योंकि मैं खुद शिकायत करने वाला था कि जिस बंदे ने मुझसे ऐसा बोला वो क्यों क्रॉस शिकायत कर सकता है। जब मैं गया तो मुझे मिलने नहीं दिया गया। आप सोचिए कितनी भयानक स्थिति हो चुकी है कि एक लड़का जो बिहार से आता है, जो 7,000-10,000 यहाँ रूम रेंट है वो नहीं दे पा रहा है, जबकि 6,000-5,000 रुपए में हॉस्टल में खाने के लिए मिल सकता है। भले ही कम सुविधाएं हैं, लेकिन उनको तो मत तोड़िए, जो 10-15 लड़के जो यहाँ रहते थे, अब उनको भी तोड़ के कितने लोगों को हॉस्टल दे सकते हैं। ये लड़ाई छात्रों की है, किसी विचारधारा की नहीं है। समझिए, हॉस्टल जिसको मिलता है वो किसके लिए मिलता है? विचारधारा को मिल जाता है क्या? कोई पार्टी ठेका ले लेती है क्या उसका, हॉस्टल का? जरा समझिए, ये खेल दरअसल बहुत जटिल है। लोग आपको, जब आप डीजी ऑफिस में जाते हैं, आपसे कहते हैं मोबाइल बाहर रखिए, आप घड़ी नहीं पहन के जा सकते, शक होता है क्योंकि उसमें भी रिकॉर्डर हो। अगर आपको डर नहीं है, आप डरते हैं किस बात से डरते हैं?